महानगर में ठंड से निपटने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए रैन बसेरों में ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में छात्र संघ चौराहा स्थित रैन बसेरा के मैनेजर अशोक सिंह ने बताया कि ठंड को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रजाई गद्दा की व्यवस्था की गई है तथा यहां पर 15 यात्री रुक सकते हैं। यात्रियों के लिए पानी व शौचालय की व्यवस्था है और ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है तथा रात में मच्छरों से बचने के लिए गुड नाइट जलाया जाता है, जिससे यात्रियों को किसी तरह की समस्या न हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रैन बसेरों के मैनेजर अशोक सिंह, जितेंद्र झा, इकबाल अंसारी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सफाई हो जाती है यहाँ से और इसमें कोई बात नहीं है। तो उनको जी मतलब रखा जाता है, एक कंबल दें, दो कंबल दें, तीन कंबल दें, नहीं देखे उनको मतलब ठंड ना लगने पाए। अच्छा, जितेंद्र झा। यहाँ पे यात्री ठहरने की कितनी क्या क्या व्यवस्था है? 10 पुरुष का है और 10 महिलाओं का। क्या क्या व्यवस्था है? यह साफ सुथरी बिस्तर है, रजाई है, तकिया है, नहाने धोने के लिए गर्म ठंडा पानी है और ठंड से बचने के लिए बाहर लौ जल रही है, ये सारे व्यवस्था है। पीने के लिए एयर वाटर मिलता है, मच्छरों के लिए गुड नाइट चलाया जाता है, ये सारी व्यवस्था है। यहाँ अभी यात्री यहाँ पर रुक रहे हैं? जी बिल्कुल रुक रहे हैं। अशोक सिंह, सुविधा के लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की है? यहाँ बिस्तर की व्यवस्था है, रजाई और सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए सब हैं। कोई चार्ज भी इसका लगता है? नहीं, निःशुल्क है। हाँ, कितने यात्री लगभग मतलब यहाँ पर आते हैं? 10-15। 15 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है? हाँ, 5 ऊपर 10 नीचे। हमारा इकबाल अंसारी नाम है। कौन है आप यहाँ के? हम यहाँ के मैनेजर हैं। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे है रैन बसेरे में? रैन बसेरे में देखिए, देव गोरख धाम पथिक निवास है, यहाँ भी व्यवस्था मतलब ये कि बेड है, कंबल है, चादर है और गद्दा है, ये व्यवस्था है। अंदर लाइटिंग है, बाथरूम है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रह सकते हैं कितने यात्री? यहाँ पे 15 से 16 लोग मतलब जी कि आराम से सुविधाजनक रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।